एक तो कोई मिस एथीस्ट हैं, हम उनको थोड़ी देर कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर जो है अब्दुल्ला मेहरानी साहब हैं, फिर आलिम साहब हैं, तो वैसे भी अभी जो है 6 घंटे होने आ गया। जी मिस एथीस्ट क्या कहेंगी आप? जी हेलो सर। जी जी बोलिए। हाँ, मैं ना सर, मैं भी लाइक एक्स मुस्लिम हूँ, तो मुझे जी थोड़ा सा ना मैंने कभी जुड़ने की कोशिश नहीं की, बट लेकिन आज थोड़ा सा ना अजीब लगा जब वो कहते हैं ना कि मुसलमान देशभक्त तो होता है इस तरह से। तो ये ना पूरा मैं आपकी बात के साथ ना एग्री कर रही हूँ कि ये देशभक्त नहीं हो सकते। उनका जो वो मतलब अगर कोई कुरान फॉलो करता है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल तो वही करते हैं, कुरान को फॉलो करते हैं, तो उनमें से जैसे हमारे जैसे अगर किसी का रैशनल थिंकिंग है तो या तो वो वहां से निकल जाता है, या तो ऐसे ही फॉलो मतलब ऐसे ही फॉलो नहीं करते, उसको अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में, तो उसको हम थोड़ा सा वो कह सकते हैं। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता सकती हूँ। मैं ना कश्मीर से हूँ, तो अगर जी हम कश्मीर की बात करें, जब तक मुसलमान ये होते हैं ना लाइक माइनॉरिटी में होते हैं, तब तक तो उनको बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म बड़ा याद आता है। जैसे जी मेजोरिटी में आते हैं, तो कश्मीर की एग्जाम्पल हम 1400 साल पुराना पीछे क्यों जाते हैं, हमारे पास रियल एग्जाम्पल है। जैसे उनके पास पावर आता है, मेजोरिटी में हो गए, तो कश्मीर पंडितों के साथ उन्होंने क्या किया है? और जो वहां पे अगर किसी किसी ने मतलब जो भी उनका पड़ोस था कोई जिससे रैशनल बंदा था, उसने उनको बचाने की कोशिश की, तो पहले तो उन्हीं का गला काटा ना उनको, तो हमारे एग्जैक्टली जैसे लोगों से भी प्रॉब्लम है। तो फिर मतलब फिर वो ये तो अगर मेजोरिटी तुम्हारा तुम उनके लिए तो पहले इस्लाम आते हैं, उसके बाद देश का तो कोई नाम ही नहीं होता, उनको तो बस इस्लाम ही से मतलब है। अगर मेजोरिटी मतलब इस्लाम फॉलो करती है, मेजोरिटी का हम अगर लेके चले, तो देशभक्ति का नाम तो उनके अंदर है ही नहीं। तो फिर मतलब ये जो भी तेलंगाना मुस्लिम कोई सर था, तो उनकी 4 लोग आपके जैसे, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, मेरे आसपास भी बहुत से लोग हैं जो ये सॉरी जो ये मतलब जो देशभक्त हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम यह है कि वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, उनका वो नाम के मुसलमान है और कुछ नहीं है उनका। और ये जो अगर इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो फिर उनके लिए तो कोई देश दुनिया कुछ है ही नहीं, उनका तो इस्लाम ही ऊपर है, सब कुछ लाइफ वही है, तो फिर वो ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, मैं भी यही कह रहा था उनसे कि जो शख्स अपने आप को मुसलमान समझता है, जाहिर बात है वो मुसलमान उसी सूरत में समझता है जबकि वो कुरान को कानून समझता है, ठीक है। और जो है कुरान के मुताबिक कहीं भी सेकुलरिज्म नहीं हो सकता, कुरान सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता, कुरान किसी देश को नहीं मानता, कुरान किसी देश की जो है मोहब्बत, किसी देश की वफादारी का उनको जो है उसके खिलाफ है, क्योंकि हाँ कुरान के मुताबिक तो इस्लाम को पूरी दुनिया में छा जाना है, ये सर किसी अगर एक देश के मुसलमान, लिए नहीं है। हाँ जी हाँ सॉरी कंटिन्यू कर, अगर मुसलमान सेक्युलरिज्म मानते तो फिर कश्मीर में वो ऐसा क्यों करते? वो जी तो हाँ पंडित वही के बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे ना, वो बचपन से ही मतलब उनकी पीढ़ियां वही थी, तो उनको उन्होंने उनको भी वही मोहम्मद की तरह 3 ऑप्शन दिए, या तो हमारे साथ मिलो, या तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर एग्जैक्ट उसमें सेक्युलरिज्म कहाँ है? उसमें से नहीं अगर सही किसी नहीं किसी ने आवाज उठाई, तो पहले तो उन्होंने हिंदू को साइड में रख के पहले उसी का गला काटा है। अगर जी किसी हाँ ने जैसे होता ना जैसे कहते हैं कि लाइक वो जस्ट नाम के मुसलमान है, उन्होंने तो पूरा मोहम्मद का जितने जो वर्सेस है पूरा वहां पे फॉलो किया है। हमारे पास ओके बिल्कुल मतलब ज्यादा दूर नहीं है ना, कश्मीर तो हमारी इंडिया का पार्ट है, तो वहां जाके ये लोग देखते क्यों नहीं है, उनकी हरकतें कैसी होती है, नहीं, ये कोई देखना नहीं खामा चाहते, खा। असल में जो है इनको पता सब कुछ है और इनको ये भी मालूम है कि ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं, जो है इनकी हिपोक्रेसी है। एक हिंदू एक मुसलमान जो है अपने आप को जो वो इंडियन कह रहा है तो वो इंडिया के लिए कभी भी वफादार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अगर वो मुसलमान है तो। सच वाला अगर वो जी अपने आप को जो है मुसलमान कह रहा है फिर भी, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। भाई दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो इंडियन होगा या फिर मुसलमान होगा। जी जनाब क्या सर, कहेंगे आप? अभी सच अभी वाला अभी जी जो मिस एक सॉरी, मिनट एक हाँ एक सेकंड। हाँ अभी कंटिन्यू कमेंट कंटिन्यू। में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड कॉल है और ऐसा कोई कश्मीरी लेडी ऐसी इस तरह से बात नहीं कर सकती और ये एक्स सर मुस्लिम अगर नहीं है, अगर तो ये हमारा प्लीज आप अगर ये सूरह हमारा फातिहा, अगर सूरह मैं फातिहा आपको पढ़ ना, हाँ मुझे जितना आता है मैं आपको इतना सुना सकती हूँ, जो मुझे थोड़ा सा मैंने रट्टा मार के रखा है। अगर उनको पूरी मेरी स्टोरी जाननी है, तो जाके साहिल का इंटरव्यू ना पिछले हफ्ते का एक बार सुन के आ जाओ, उसके बाद मेरे पे ना इल्जाम लगा लेना, जी हाँ ठीक जी है? हाँ मैं यहाँ पे किसी को सफाई देने के लिए बैठी नहीं हूँ कि मैं साहिल तुम्हें। की जो है, साहिल की स्ट्रीम पर जो है आप आई थी ना, कश्मीरी लड़की ने हाँ इस्लाम जी की। जी जी
हाँ जी, जी मेरे जी मेरा समझ आ गया वीडियो सर। पूरा का पूरा यूट्यूब पे है, तो एक बार जाके देख लो। मुझे मुझे किसी को सफाई नहीं देनी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। अगर ये गला काटने पे मजबूर, हम मतलब हमें मारने के लिए मजबूर है, तो मैं अभी कैमरा खोल देती। मेरे को इतना डर नहीं है इनसे, क्योंकि हम उनके साथ ना जो नहीं, डर मेरी है वो हम बहन जी चुके ऐसा, हैं। नहीं नहीं ऐसा जी ऐसा मत मेरी कीजिए बहन, आप। ऐसा मत कीजिए आप। खैर ठीक है, बोलने वाले बोलते हैं, उनकी असल में ये जो बोलते हैं ना, इनका दिमाग बिल्कुल जो है मुर्गी का दिमाग है। मुर्गी का कितना दिमाग छोटा सा होता है ना, इनका दिमाग भी उतना ही है। तो उनके हाँ उतने दिमाग में उनका जितनी बात आ सकती है उतना ही कहेंगे ना। ये इन पर हम जो है तर्स खा सकते हैं, इन पर नहीं हमें रहम सर, आता मैंने 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 उनको उनकी हकीकत दिखाई ना, सच बोला, तो इसलिए वो ये कमेंट करते हैं कि है। ये क्योंकि नहीं है मुसलमान वो नहीं कभी है। भी सच्चाई को कबूल नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। अब सर अभी आप जी देखो कश्मीर में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जस्ट इस्लाम का ही प्रॉब्लम है। इस्लाम निकाल दो, उनको क्या प्रॉब्लम है कहीं भी रहने से? एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली, तो इस्लाम वो तो अपनी सबसे गलती बड़ा ना, प्रॉब्लम है। जी हाँ, इस्लाम सबसे बड़ा अपनी प्रॉब्लम है, गलती, दुनिया एग्जैक्टली अपनी गलती वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। आप आ जाते हैं लेक्चर देने के लिए, क्यों भाई? की यही है इनका मसला, क्या किया जाए। इनका तो प्रॉब्लम ही यही है ना। अगर अगर मैंने अभी बाहर जाए किसी को बता दिया मैंने तुम्हारा ये गुलामी, ये अरब की गुलामी छोड़ के, तो मेरे तो पहले ही गला गला काट देंगे यही लोग, मेरे पड़ोसी वाले ही काटेंगे। मेरे को बाहर एग्जैक्टली जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमने ये मतलब ये मतलब ये इस्लाम मुझे सिखाते हैं, जो जो उस चीज में नहीं रह के आई हूँ, अभी भी रह रही हूँ। ठीक है, हमें रियल वाला इस्लाम ना, हम मैंने मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने उनकी हरकतें, ग्राउंड वाली हरकतें वो देखी हैं। अभी भी देखो सेम प्रॉब्लम है वहां पे। सीरियसली सेक्युलरिज्म का लेक्चर जब कोई देने आता है ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा, एक तो हंसी आती है, ऊपर से गुस्सा आता है। और जिस चीज को तुम, जो तुम्हारे आंखों के सामने एग्जाम्पल है, अगर कल को जाके मुंबई में भी मुस्लिम ये हो गए ना, लाइक मेजोरिटी में हो गए, उसका भी वही हाल कर देंगे। एक बार करके बिल्कुल तो देखो। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ कहीं ये थोड़ी सी यानी मेजोरिटी का मतलब मैं जो है 51-49 की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ये 30% भी हो जाते हैं तो इनके अंदर वो कीड़ा जो है पूरी तरह से जोर कर अंदर से मचलने लगता है। इनका इस्लामी कीड़ा, इनका क्योंकि इस्लामी कीड़ा जितने, हमेशा कुल बुलाता है। जी हाँ बिल्कुल हाँ सच वाला जितने यही है। जितने जितने, ये हाँ सॉरी, कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई, तो उसके बारे में फौरी ये कहना शुरू करे कि जम्मू में मुसलमानों को मारा, वो दिखाओ, यहाँ मुसलमानों के अखलाक को दिखाओ। अरे भाई, कश्मीर में जो हुआ वो बोलने में क्या परेशानी है आपको सुनने में? बोलने में परेशानी है ना, बोली कैसा बोलेंगे, सर वही बोलेंगे। जम्मू में मुसलमानों के और हिंदू के बीच में दंगा हुआ है, वहां वन साइडेड नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे कश्मीर की हिस्ट्री, किसी को मैं वही क्यों, मुझे हिस्ट्री सब कुछ पता है। जो जम्मू में हुआ ना, उनके बीच में दंगा हुआ, जैसे अभी रिसेंटली दिल्ली में हुआ सही है है, या मुजफ्फराबाद में हुआ है, इस तरह से वहां दो कम्युनिटीज के बीच में। अब फिर कौन सा बारी पड़ गया, किसके पास ज्यादा पावर था, वो अलग बात है, उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन वो दो कम्युनिटी के वो था, बीच में था। और जो उन्होंने बिल्कुल कश्मीर में किया है वो वन साइडेड था, वो मोहम्मद वाला सही है। फॉर्मूला अप्लाई उन्होंने किया, जो उन्होंने मक्का में किया उनको सबको निकाल के, सेम प्रोसेस उन्होंने भी वहां पे भी अप्लाई किया ना। तो ये एग्जैक्टली उनको, मुझे मेरे मुझे पता है, मेरा कोई भी मुस्लिम फ्रेंड है, उनको कश्मीर के बारे में तो उनको ना बड़ा मिर्ची लगती है। वो मुझे कहते हैं कि तुम कश्मीर के, कश्मीर से होने के बावजूद भी तुम इतना ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैंने तो देखो सर, मैंने तो नहीं किया, मेरी बॉर्न भी 90s की है, मैं वहां, लेकिन एक होता है ना दाग रखा है हमारे माथे पे, उसको हम धो भी नहीं सकते। सही बात, अब जरा सा भी, जरा सा भी कुछ बोलो तो विक्टिम कार्ड लेके आ जाते हैं सामने। ये तो विक्टिम कार्ड तो जो है मुसलमानों का बहुत स्टार्ट नहीं, देवन से उनके पास जो है चला आ रहा है। इनके इनके नबी के पास भी तरह तरह के विक्टिम कार्ड थे। ये विक्टिम कार्ड का केस जो है वो देवन से है, इस्लाम जब से वजूद में आए तब से चल रहा है। जी अभी जी अभी अगर हम कश्मीर में देखें उनके मंदिरों का क्या हाल है, जा किसी की हिम्मत है एक बार मेरे साथ आ जाओ, देखो वहां का क्या हाल है। जब तुम मेजोरिटी में रहते हो ना, तुम क्या हाल करते हो लोगों का? कोई जी हाँ मंदिर है वहां पे जो ठीक ठाक है? जी सही बात, ये मुसलमान ना उस इंसान को लेक्चर दे रहा है कि जो मैं मेजोरिटी जहां मुस्लिम है मैं वहां से आती हूँ, तो मुझे इनका ये बुक्स में, हवाई बुक में क्या लिखा है मुझे कोई इतना नहीं है। रियल में तुम क्या करते हो वो मैटर करते हैं ज्यादा। जी हाँ जाहिर बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आगे भी आते रहिए, अपनी बात रख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ जो है हम यतीश सच्चाई जी, सुनना चाहते हैं। जी जी बोलिए। मिस आप ये नंबर पे अगर कांटेक्ट कर सकती हैं तो कीजिए, हम आपका एक्स मुस्लिम भारतीय पे इंटरव्यू रखेंगे पूनम जी के साथ।
ओके सर, मैं कोशिश, मुझे थोड़ा सा ना काम है, मेरे किसी फ्रेंड के शादी में जाना है, हाँ तो मुझे 2-4 दिन थोड़ा काम है, उसके बाद मैं चलेगा, मतलब मैं बिल्कुल ये कांटेक्ट आपको पहले से करूंगी। जी 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 ये हम शेड्यूल व्हाट्सएप करेंगे। नंबर है, इस पर आप जो है आप कॉल करके या मैसेज छोड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको व्हाट्सएप नंबर, हाँ ये जी, हाँ नोट कर जी, लें हाँ आप जी, जी, ओके, नोट कर हाँ, लें वो मेरे पास है। ओके सर, मैंने थैंक स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। यू थैंक यू ठीक है, थैंक बहुत यू। शुक्रिया, बहुत